पुराने पेंट ब्रश कैसे साफ करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुराने पेंट के ब्रश को कैसे साफ किया जाता है। तो ये देख सकते हैं, इससे पहले पॉलिश हुई थी जो कि बिना ब्रश को साफ किए ही रख दिया गया है ब्रश, तो इसलिए जम गया है पूरा। तो इसको हमें क्लीन करना है, और जैसे पेंट करते हैं अगर ब्रश साफ नहीं करते हैं तो इस तरह से ये हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इनको हम किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, इस तरीके से आपके ब्रश किसी भी पेंट में यूज किए गए हों वह इससे आसानी से साफ़ हो जाएंगे। तो उसके लिए लेना है हमें एनसी थिनर, एनसी थिनर का ही प्रयोग करना है हमें, या फिर आप आरटी थिनर का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी ये जो बोतल दिख रही है आपको, बोतल वाला जो थिनर होगा उससे साफ नहीं होगा, क्योंकि वो सफाई के लिए होता है। उसके लिए आपको एनसी थिनर या फिर आरटी थिनर ही लेना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको डुबो के रख देंगे थोड़ी देर, 2-3 घंटे तक इस तरीके से पूरे ब्रश डूब देने चाहिए थिनर में। 2-3 घंटे के बाद में यह बिल्कुल फूल जाएंगे इस तरीके से। अब इनको साफ कर लेना है हमें। इस तरीके से साफ कर लेना है हमें बिल्कुल। इस तरीके से ब्रश आपके किसी भी पेंट में यूज हुए हों, जैसे पानी वाला पेंट या फिर तेल वाला पेंट, ऑयल पेंट, इनेमल पेंट, या पॉलिश में यूज हुआ हो, प्यू पॉलिश, मेलामाइन पॉलिश, या फिर आपने टचवुड ग्लूसी लगाने के लिए इसका प्रयोग किया हो, सारे इससे क्लीन हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। बस आपको थिनर बढ़िया वाला यूज करना है, एनसी थिनर या फिर आरटी थिनर। तो इसी तरह से इनको क्लीन कर लेना है, उसके बाद में इनको कभी भी यूज किया जा सकता है, या ऐसे ही रहेंगे, खराब नहीं होंगे कभी भी, कभी भी हार्ड नहीं होंगे, क्योंकि हमारा इसके ऊपर से पूरा पेंट या पॉलिश निकल चुकी है। और ये देख सकते हैं पूरे ब्रश हमारे साफ हो चुके हैं। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।